हेलो गाइस, मेरा नाम योगेश और आप देख रहे हैं हिंदी यूट्यूब चैनल मिस्टर टैक्स में। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे नई फ्रेश और एक्साइटिंग वीडियो। जो कि हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है डकडको। ये एक प्राइवेसी ब्राउजर है, यानी कि प्राइवेसी आपको इस ब्राउजर में देखने को मिलती है, यानी कि ये बहुत ही सिक्योर है। अगर आप कुछ इस पे सर्च करना चाहते हैं तो यानी कि जनरली आपने देखा होगा कि आपने कुछ प्रोडक्ट सर्च किया, यानी कि इस फोन की क्या कीमत है, कोई भी एक्सपेक्टेड फोन मान लीजिए उसकी क्या कीमत है, तो कुछ टाइम बाद में गूगल पे आपको उसी से रिलेटेड आपको यानी कि उस फोन से रिलेटेड आपको एड्स देखने को मिलते हैं, या आपने कुछ और भी कुछ प्रोडक्ट सर्च किया है तो उसी से रिलेटेड आपके फोन में चारों तरफ जहां भी आप सर्च करेंगे, इंस्टाग्राम या फेसबुक या किधर भी आप सर्च करेंगे, तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आता रहेगा, यानी कि वो आपकी प्राइवेसी को ट्रैक कर रहा है। मैं बोलना चाहूँ तो वो आपका ट्रैकर का काम कर रहा है। तो अगर आप इस ब्राउजर का यूज करेंगे तो वो आपके साथ नहीं होगा दोस्तों। तो इस ब्राउजर का यूज करने के बाद आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। यार सबसे पहले अपन शुरू करते हैं डकडकगो से, जो कि एक प्राइवेसी ब्राउजर के दूसरे नाम से भी जाना जाता है। यार तो यार इसकी खास बात यही है कि इस पे आप जो भी सर्च करोगे वो आपकी ट्रैक लिस्ट में नहीं आएंगे, यानी कि जैसे कि मैंने अभी बताया था हाल ही में, यानी कि अगर आप गूगल या किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर आप सर्च करते हो, मेरा कहने का मतलब ये है कि तो उसमें आप कुछ टाइम बाद आपको उसी से सिमिलर एड्स आपको आते हुए देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा यार। तो ये एक अच्छा ब्राउजर है यार, तो मैं तो इससे काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ कि सोचा कि आपको भी बता दूँ, आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ यार। तो मेरे को तो ये पर्सनली यार काफ़ी पसंद आया है। तो इसकी खास बात ये है कि दोस्तों यार इस पे भी आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है यार, और इसमें आपको फॉन्ट को चेंज करने के ऑप्शन भी दिए गए हैं कि लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, तो ये सब आपको तो जनरली ब्राउजर में देखने को मिल जाते हैं। और इसमें आपको लैंग्वेज का भी अच्छा खासा ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपको इस ब्राउज़र की लैंग्वेज क्या रखनी है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अपनी रीजनल लैंग्वेज या आप अपनी स्टेट लैंग्वेज को रखना चाहते हैं। तो अपन डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, तो ठीक है यही अपने लिए। और भी इसकी अदर सेटिंग्स में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं, इसकी क्या क्या और सेटिंग आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। रीज़न आप इसमें सेट कर सकते हो, अभी मेरा तो इंडिया है तो अपन इंडिया ही कर देते हैं। और तो बस बाकी ठीक है, प्राइवेसी में आपको देखने को ये आपको इसकी और सेटिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे सेकंड एप्लीकेशन है वो है गूगल गो। ये इसी लाइन की एप्लीकेशन है, यानी कि ब्राउजर टाइप की एप्लीकेशन आपको ये देखने को मिलेगी दोस्तों। तो इसमें आपको जो मुझे खास बात लगी ये कि इसमें आपको बहुत सारे टैब्स देखने को मिल जाएंगे, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, न्यूज से रिलेटेड, आर्टिकल्स और जो भी विकिपीडिया वगैरह इस टाइप के कुछ है आपको वो देखने को मिल जाएंगे। यानी कि ओवरऑल मैं बोलूं तो बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आप ऐसे वेले बैठे हैं तो इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे टैब्स दिए हैं, अगर आप एक एक करके चेक करेंगे तो ये आपका आसानी से अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। और जो सेकेंड एप्लीकेशन आती है गूगल की है, जो कि गूगल गो करके आती है यार, तो इसमें आपको इसका जो कि इंटरफेस भी है यार बहुत ही कमाल का देखने को आपको इसमें मिलता है, जो कि आप देख पा रहे होंगे शायद। तो इसमें यहाँ पे ये एक अच्छा फीचर दिया गया है टाइम पास करने के लिए, तो यार ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन निकल के आती है ब्राउज़र के रूप में। और अलग अलग इसमें टैब भी आप स्विच कर सकते हैं, जैसे कि अभी ऑल ऐप्स में आपको बहुत सारी आपको टैब्स देखने को मिल जाएगी, इसमें गेमिंग, फूड, बुक्स, फिल्म, व्हीकल्स, म्यूजिक वगैरह। तो यार मुझे इसका जो कमाल का फीचर मुझे ये बहुत पसंद आया कि देखिए यहाँ पे जो कि आपको यहाँ पे एक प्ले का बटन है आपको देखने को मिल रहा है, तो इस प्ले को बटन को आपको दबाने पर देखिए क्या देखने को मिल रहा है, यानी कि आप इस प्ले के बटन को दबाओगे तो ये जो कि गूगल की जो दीदी है, गूगल दीदी, वो अपने आप ये बोलेगी आपके लिए, रीड करेगी आपके अकॉर्डिंग, आप इसको कितना आपको फास्ट करना है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, और आपको इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। शायद आप इसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं इसकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ दोस्तों। तो इसका ये फीचर मुझे बेस्ट लगा। अगर आप डेली की सुबह की न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए एकदम फटाफट से न्यूज रीड कर देगा। तो इसका ये फीचर मुझे अभी तक का बेस्ट फीचर लगा इस एप्लीकेशन का। हालांकि ये फीचर अभी भी इस एप्लीकेशन में किसी किसी साइट्स पे काम करता है और किसी पे नहीं करता है, तो ये एक मेरी गूगल से दरख्वास्त है कि
ताकि अपने को यार और भी आसानी हो जाए इसको चलाने को। बाकी यार इसका ओवरऑल तो यार लुक तो बहुत ही शानदार दिया है और बहुत सारी कैटेगरी दी है यार। दोस्तों जो कि हमारी जो कि थर्ड एप्लीकेशन है वो कीबोर्ड टाइप का है, ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, यानी कि इसका जो कि लेआउट कुछ इसके जो कि कीज दी गई है वो कुछ डायमंड के शेप की आपको इसमें देखने को मिलती है। तो चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ अपने फोन की स्क्रीन पर, देखते हैं कि कैसा दिखता है इसका लेआउट। और जो कि मैंने आपके साथ थर्ड एप्लीकेशन शेयर की वो है टाइप वाइज कीबोर्ड। यार बहुत ही अच्छा लेआउट का कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है यार इसमें आपको, यार इसका तो मुकाबला ही यार, मैंने तो आज से पहले ऐसा कोई कीबोर्ड यूज नहीं किया, लेकिन अब जो इसके साथ कीबोर्ड के साथ यार जो इसका यूज करने पर जो इसका इंटरफेस निकल के आया सामने, बहुत ही कमाल का यार इंटरफेस निकल के आया यार। मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ इसका कीबोर्ड का लेआउट किस तरह का देखने को मिलता है। तो यार चलो यार बहुत ही अच्छा कीबोर्ड निकल के आया है यार सामने, तो देख लेते हैं अपन इसके पहले एक बार तो चेक कर लेते हैं इसकी जो कि थीम है वो अपन एक बार सेट कर लेते हैं। तो अपने को तो सिर्फ ये सिंपल सेलेक्ट कर ले ग्रे कलर वाली, लेट्स गो स्किप ट्यूटोरियल एंड ओके। तो यार देखो यार इसका कितना यार मज़ेदार इसका जो कि लेआउट आपको देखने को मिल रहा है, आप नंबर भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। और यार बहुत ही स्पेस जो कि स्पेस का वो बटन दिया गया है ना वो दोनों तरफ दिया गया है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा यार। तो यार ये बहुत ही एक कमाल का और यूनिक सा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं यार ये कीबोर्ड वाले। तो ऐसे करके आप अगर इसको प्रेस करके ऐसे करोगे तो ये आपका एकदम पीछे चला जाएगा, और अगर इसको फटाक से ऐसे करोगे तो ये पूरा काट देगा, और इसको वापस ऐसे करोगे तो ये आपका ऐसा कुछ इस कीबोर्ड में ये सीन चलता रहता है। तो यार अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और जो कि हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है एक्टिविटी बबल्स। ये आपके क्या होगा कि आपका फोन को ट्रैक करेगी, यानी कि आप अपने फोन की स्क्रीन को कितनी देर तक ऑन रखते हैं, यानी कि आप अपने फोन को कितनी देर चला रहे हैं और कितनी देर आपका फोन अनलॉक लॉक हुआ है, तो उसी से रिलेटेड है। तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये कैसी है एप्लीकेशन। और यार ये वाली एप्लीकेशन तो बहुत ही कमाल की है, यानी कि एक्टिविटी बबल करके एप्लीकेशन आती है, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, लिंक भी मिल जाएगी। यानी कि आप अपने फोन को दिन में कितनी बार लॉक अनलॉक करते हो तो ये अपना इसका कुछ ऐसा सीन चलता रहता है इस एप्लीकेशन में। यानी कि आपने जो बड़े वाला गोला ये दिखाता है कि आपका फोन कितनी देर तक आप चला रहे थे, यानी कि फोन का स्क्रीन टाइमिंग क्या था, यानी कि कितनी देर तक, यानी कि ये वाला जो दिखा रहा है यानी कि मैंने ज्यादा टाइम तक अपने फोन को यूज किया ये दिखा रहा है, और ये वाला दिखा रहा है कि मैंने कुछ ही देर के लिए अपने फोन को यूज किया। तो ये दिखाता रहता है कि ओवरऑल आपने अपने फोन को कितनी बार लॉक अनलॉक किया है, इसी के बारे में ये चलता रहता है। और इसको आप वॉलपेपर पे सेट कर सकते हो, तो ये देखिए मैंने अभी सेट किया जैसे ही, तो ये दिखाने लग गया। तो ये भी एक अच्छी एप्लीकेशन निकल के आती है यार। तो जो कि हमारे फिफ्थ नंबर एप्लीकेशन है वो है क्रोनो एप्लीकेशन, जो कि आपको अपने पहले एंड्रॉइड में इंस्टॉल करनी होगी। ये मैं बता देता हूँ, ये कि नोटिफिकेशन एप्लीकेशन है दोस्तों। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप अपने मान लीजिए कि आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता है फोन पे, तो आप किस तरह से आप अपने डेस्कटॉप पे उसका रिप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउजर में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डेस्कटॉप की, तो जाना है आपको क्रोम ब्राउजर में और सर्च करना है आपको क्रोम एक्सटेंशन फॉर क्रोम। तो करने के बाद आपको साइट में एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिले, तो उसको स्कैन करके आप सीधा आप अपने फोन का जो कि नोटिफिकेशन है यानी कि आप अपने डेस्कटॉप से भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। और जो कि एप्लीकेशन है क्रोनो, तो इसके लिए आपको करना है अपने यार पहले अपने फोन में ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो यार इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप चला रहे हैं अपने फोन को, यानी कि आप चला रहे हैं अपने डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे, तो आपके नोटिफिकेशन लगातार आते रहते हैं, तो बार बार आपको अपने फोन को चेक करके उसमें रिप्लाई देना पड़ता है। तो इसको इसके लिए ये अपने को एक सुविधा प्रोवाइड करता है, जो कि वो है कि आप अपने नोटिफिकेशन को आप डायरेक्टली आप अपने यानी कि डेस्कटॉप पीसी से आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मुझे जो इसका बेस्ट फीचर एक और ये लगा कि आप अपने क्योंकि डायरेक्ट इसमें से आप कोई भी फाइल ब्राउज करके इसमें से आप सेंड कर सकते हो जो कि डेस्कटॉप पे सीधी चले जाएगी। और इसका बेनिफिट एक और ये है कि आप अपनी लिंक भी यानी कि कोई ऐसी लिंक होती है कि जैसे कि कोई आपको डेस्कटॉप से यानी कि मोबाइल में लिंक भेजनी हो या कुछ मोबाइल से डेस्कटॉप में भेजनी हो, यानी कि कुछ ऐसी लिंक्स होती है जो सिर्फ डेस्कटॉप पे ही वर्क करती है, तो आपको लिंक बहुत बड़ी होती है जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, तो उसको सारा मतलब पूरी लिखने में काफी टाइम लग जाता है, तो आप सिंपली उसको कॉपी कर लीजिए, यानी कि जैसे कि कोई भी अभी
अपन खोल लेते हैं इस पे। तो जैसे कि ये मेरी वीडियो की लिंक है, तो अपन को करना क्या है कि इस पे करके और इसको बस आपको करना है सिर्फ इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको वो सीधी लिंक वहां पे आपको दिखाई दे जाएगी। आपको डेस्कटॉप में सिंपल यही ट्रिक करनी है, आपको जाना है एक्सटेंशन सेक्शन में, और एक्सटेंशन सेक्शन में जाने के बाद आपको क्रोनो लिखना है, सर्च करना है, तो वहां पे क्रोनो दिखाई देगा, और ऐड टू एक्सटेंशन करना है तो वहां पे वो ऐड हो जाएगा, और जो कि उसका क्यूआर कोड आएगा वो स्कैन करो और सीधा चलाओ यार। आते हैं हम अपनी 6 नंबर एप्लीकेशन जो कि योर फोन कंपनी। तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अगर आप बैठे हैं इस रूम में या आपका फोन पड़ा है दूसरे रूम में, तो आपको करना है किसी को अर्जेंट कॉल, तो उठ के जाना पड़ेगा उस रूम तक और लाना पड़ेगा आपको अपना फोन, और उसके बाद आपको नंबर डायल करके बात करनी पड़ेगी। तो इस एप्लीकेशन की मदद से ही आपका सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या होगा, इसमें आपको करना यह होगा कि आपको अपने फोन में डाउनलोड करनी होगी आपके एंड योर फोन कंपनी ने जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है बनाई हुई एप्लीकेशन है, और उसी के साथ में आपको अगर विंडो 10 का पीसी है तो उस पर भी ये यानी कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, तो जो भी इसको परमिशन मांगती है दोनों में अलाउ कर दीजिए, और उसके बाद आप अपने डेस्कटॉप से कॉल कर सकते हैं, और आप स्विच भी कर सकते हैं कि आपको फोन डेस्कटॉप के थ्रू करनी है, यानी कि उसका स्पीकर है वो किस पे रखना है डेस्कटॉप पे कि आपके फोन पे। तो अगर आप रूम से बाहर बैठे हैं तो ऑब्वियसली आप लैपटॉप पे ही रखेंगे, अगर रूम में या पास में बैठे हैं या किसी को कोई अगर कोई और पास बैठा है उसको नहीं सुनाई दे उसके लिए आप लैपटॉप को यानी कि लैपटॉप से कॉल डाइवर्ट कर सकते हैं फोन पे भी। और उसमें एक और नया फीचर ये भी एड हुआ है कि जो कि नोटिफिकेशन का दोस्तों, तो आप तुरंत उसमें रिप्लाई कर सकते हैं अगर आपका फोन पड़ा है वैसे ही जैसे मैंने बताया कहीं दूसरे रूम में या कहीं अगल बगल कहीं आपको मालूम नहीं है कि किधर पड़ा है। तो ये भी एक अच्छा फीचर ऐड हुआ है इसमें भी। अगली एप्लीकेशन यार ये माइक्रोसॉफ्ट की द्वारा बनाई गई है यार, योर फोन कंपेनियन, तो ये अच्छी एप्लीकेशन ही है। यानी कि मैं इससे बात कर रहा था कि अगर आपका फोन आपके पास नहीं है या दूसरे रूम में है या आजू बाजू कहीं है तो आपको उठने का मन नहीं है, तो यानी कि आलसी आप मेरी तरह ही, तो यार इसकी मदद से आप यानी कि अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट करें और जो भी इसमें जो परमिशन मांगता है उसको अलाउ करें, और आप अपने लैपटॉप से कॉल कर पाएंगे। यानी कि आपको फोन से कॉल लगाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लैपटॉप के थ्रू कॉल कर पाएंगे, और नोटिफिकेशन भी ऑब्वियसली इसमें भी आप चेक कर पाएंगे, और क्रोनो ब्राउजर दोनों ही मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, अब चॉइस आपकी है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। जो कि हमारा 7 नंबर एप्लीकेशन है वो फ्रेश वॉल्स, ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। इसमें आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के बहुत ही अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज आपको इसमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये मैं आपको बता दूं जो कि एप्लीकेशन बनाई गई है हमारे टेक पार्टनर भैया द्वारा बनाई गई है, यानी कि आप नहीं जानते अगर तो जाके सर्च कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। मैं सिंपली यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ही इसका इंटरफेस, इसका लेआउट और इसके वॉलपेपर्स तो बहुत ही कमाल के हैं यार, तो जरूर जरूर इसको यूज करके देखना यार। और जो कि लास्ट एप्लीकेशन निकल कर आती है वो है फ्रेश वॉल्स, जो कि हमारे टेक बर्नर भैया यानी कि श्लोक भैया द्वारा ये बनाई गई एप्लीकेशन है यार। तो मैं इसे काफी टाइम से यार यूज कर रहा हूँ, तो आप देख पाए होंगे कि मेरा वॉलपेपर, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो वॉलपेपर सेट किया है वो भी इसी का ही एक वॉलपेपर मैंने डाउनलोड करके सिलेक्ट करके अपने सेट एज वॉलपेपर किया है। तो यार अच्छी एप्लीकेशन मेरे को तो लगी, वाकई में मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ इसको। तो आपने श्लोक भैया की वीडियो में इनमें से कोई ना कोई वॉलपेपर या इस एप्लीकेशन में जो वॉलपेपर है कभी ना कभी देखे जरूर होंगे यार। तो यार वाकई में बहुत ही कमाल की है यार, एक बार आप जरूर इसको इंस्टॉल करके देखना यार, इसमें और भी फीचर आपको इंस्टॉल करने में पता चल जाएंगे क्या क्या इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही यार गजब की एप्लीकेशन निकल के आई है यार ये। तो बस फिलहाल अपन इतना ही मसाला डालते हैं इस वीडियो में, तो अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं है, यूं ही डिसलाइक करके चले जाना, बस सब्सक्राइब कर देना अगर आ गई पसंद। तो धन्यवाद आपका बहुत ही कीमती समय मुझे देने के लिए।